मैं दो दवा आपको बताऊंगा। एक है आपके सोच से रिलेटेड, यानी डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद ना आना, जो कि मेनोपॉज की आपने बात भी उठाई, एक वो स्थिति है। और एक स्थिति है जब नसें कमजोर होती, हाथ प्रॉपर नहीं उठ रहे हैं, झंझनाहट हो रही, सुनपन हो रहा, पैर गद्दे ऐसा लग रहा, चल रहे हैं, यह सब उम्र के साथ होता है। मैं जब तक हूँ या जब नहीं हूँ, पर हमेशा आपके साथ हूँ, कभी भी कहीं भी। मैंने होम्योपैथी से आज तक जो भी ज्ञान अर्जन किया है, वह समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरल सुलभ समाधान के रूप में पहुंचे, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं इस कार्य को सफल स्वरूप देने में लगा हूं। समाज के उत्थान के इस कार्य में मैं आपकी भी सक्रिय सहभागिता की अपेक्षा करता हूं। This is motivational Mamta. I'm back with a new topic. और हमारे साथ हैं world fame Dr. Umang Khanna ji. नमस्कार। So, sir, thank you for giving me some time. तो एक सवाल मेरा भी है मैम जी। वो सवाल ये है, उम्र का एक और तकाता मैं मानता हूँ, नसों की कमजोरी को। नर्व्स वीक होने लगती हैं। जब नर्व्स वीक होने लगती हैं तो हाथों में झंझनाहट, सुनसुनाहट, एंजाइटी, डिप्रेशन, यह सब दिक्कतें होने लगती हैं उम्र के साथ। तो इस विषय को भी हम लोगों को बात कर लेनी चाहिए। तो अगर किसी की, अब मैं अपने सवाल का जवाब दे देता हूँ जी, जी, जी। अगर सर, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है सर। किसी की नसें कमजोर हो रही, नर्व की वीकनेस हो रही है, तो उसको दूर करने की भी होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है साथियों। मैं दो दवा आपको बताऊंगा। एक है आपके सोच से रिलेटेड, यानी डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद ना आना, जो कि मेनोपॉज की आपने बात भी उठाई, एक वो स्थिति है। और एक स्थिति है जब नसें कमजोर होती, हाथ प्रॉपर नहीं उठ रहे हैं, झंझनाहट हो रही, सुनपन हो रहा, पैर गद्दे ऐसा लग रहा, चल रहे हैं, यह सब उम्र के साथ होता है। जो पहली बात है साथियों कि मूड स्विंग्स हो रहे हैं, एंजाइटी हो रही, डिप्रेशन हो रहा, नींद नहीं आ रही, एजिंग प्रोसेस हो रहा है, नर्व्स को मजबूत करने का बहुत अच्छी दवा है काली फॉस। तमाम श्रोता अपने जानते होंगे, तमाम दर्शक जानते होंगे, लेकिन शायद आप कभी इसको गंभीरता से ना लिए हों। काली फॉस 6x पावर में 90 रुपए की दवा है। 6x पावर में 4 टेबलेट सुबह, 4 टेबलेट शाम आप ले सकते हैं। इस दवा के लेने से नर्व जो है स्ट्रांग होती हैं, मेंटली भी आप स्ट्रांग होते हैं और इमोशनली भी आप स्ट्रांग होते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत important. और दूसरा बात जो मैंने कही कि नसें कमजोर हो रही, जो नर्व्स हैं वो कमजोर हो रही हैं, झंझनाहट, सुनसुनाहट हाथों में हो रही, पैरों में हो रही है, पैर उठ नहीं रहे, हाथ उठ नहीं रहे, सुनपन हो रहा है, उसके लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है हाइपेरिकम। हाइपेरिकम विश्व का सबसे अच्छा नर्व टॉनिक मैं कह सकता हूँ। हाइपेरिकम एक होम्योपैथिक दवा आती है, पूरा नाम है हाइपेरिकम परफोरेटम। हाइपेरिकम 30 पावर में आप दो दो बूंद दिन में 3 बार 1 महीना ले लें, आप अपनी नर्व्स में अद्भुत ताकत पाएंगे। अच्छा सर, एक चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे थोड़ी उम्र बढ़ती है तो लोग इमोशनल, जैसे आपने बोला इमोशनली हम मजबूत हो जाएंगे, वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पाते, जैसे वो बात करते करते उनकी आवाज़ भर्रा जाती है या उनकी आंखों में आंसू से आ जाते हैं। सो ये सब भी एजिंग से ही रिलेटेड निश्चित रूप से उम्र के साथ दिमाग में ये सब ज़्यादा आने लगता है, चलने लगता है, इसीलिए मैं काली फॉस दवा बताया हूँ। जिन हमारे श्रोताओं को, साथियों को, दर्शकों को थोड़ी दिक्कत है, वह काली फॉस 6x ले लें, यह आपके माइंड को स्ट्रांग करेगी, डिप्रेशन, एंजाइटी, मूड स्विंग्स को खत्म करेगी। बहुत ही अच्छा, थैंक यू सर ये क्वेश्चन के लिए। ये मेरे कैसे मेरे से रह गया, ये मुझे लग रहा है बहुत ही अच्छा है। आपने 99% नंबर ला के जो है एग्जाम को आपने दिया है अपने। यह मैं एक बात और बता दूं, ममता मैम के चैनल के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि ये जो दवाएं साथियों बताई गई हैं, यह दवाएं आपकी जानकारी के लिए हैं। एक बात मैं बता दूं, क्योंकि होम्योपैथी एक बहुत वास्ट फील्ड होती है, बहुत बृहद फील्ड है, सागर है एक, तो सागर को
जो नहीं बताया जा सकता। ये दवाएं आपकी जानकारी के लिए हैं, आप इन दवाओं को नोट करें। दवाएं निश्चित रूप से कारगर हैं, अच्छी हैं, लेकिन किसी कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करा के ही कोई दवा लीजिएगा। दवा एक गंभीर मैटर होता है, स्वास्थ्य एक गंभीर मैटर होता है। पता नहीं आपके झुर्रियाँ क्यों आ रही हैं, आपकी स्किन ड्राई क्यों हो गई, कहीं आपके गुलियन बरे सिंड्रोम तो नहीं है, कहीं आपके स्किन में क्रैक्स आ रहे हैं, कहीं आपको कोई और दिक्कत तो नहीं है। इसलिए कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करे मत लीजिएगा। लेकिन ये दवाएं कारगर हैं, आप इन दवाओं को नोट करके अपने आसपास चिकित्सक के पास जा सकते हैं, वो आपको बेहतर गाइड करेगी इस विषय में। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि हर एक पर्सन अलग है, हर एक पर्सन की प्रॉब्लम्स अलग हैं। कई बार हो सकता है सिर्फ एजिंग की वजह से ही ये प्रॉब्लम हो रही हो, या कई बार हो सकता है कोई और रीज़न हो सकता है। हो सकता है किसी को थायराइड की वजह से कोई प्रॉब्लम हो, या शुगर ब्लड प्रेशर की वजह से कोई प्रॉब्लम हो। तो हम अपने आप को, अपने प्रॉब्लम्स को समझें और उस हिसाब से, जैसा कि सर ने बताया, उसको हम फॉलो करें, उस एडवाइस को।